तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के ब्लॉग में। आज हम हमारी टीम आई है आज किन्नौर पे, और फिलहाल तो हम किन्नौर के एक मंदिर पे हैं जिसके दर्शन हम आपको कराएंगे। और अभी फिलहाल टाइम हो रहा शाम का, तो थोड़ी धुंध सी हो रही, नहीं तो आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही शानदार सा व्यू है। और हमारी पूरी टीम जा रही अभी मंदिर के दर्शन के लिए। और हमारे सर देखो सेल्फी ले रहे हैं अभी। जो पीछे का व्यू है वो देखो, इसके बाद मंदिर का व्यू भी दिखाएंगे आपको। और ये मंदिर का रास्ता है आगे को, फिलहाल हम आगे को चलते हैं। तो फिलहाल तो हमारे साथ विक्रम सर हैं जो यहाँ टूरिस्ट गाइड हैं, वो काफ़ी सालों से यहाँ टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस लोकेशन के बारे में। सर प्लीज़ आप बताओ थोड़ा हमारे दर्शकों को। अभी हम पहुँच चुके हैं, फिलहाल तो कोठी माता की मंदिर है वहाँ पे हम जा रहे हैं। हमारे साथ जो आ रखे हैं टूरिस्ट हैं, कोई दिल्ली से आ रखा है तो कोई हमारे भाई जम्मू से हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मैं अभी इनको घुमाने ले जा रहा हूँ कोठी माता मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है किन्नौर का। आप भी हम जा रहे हैं तो अभी हम देखेंगे आगे जाके कि क्या होता है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, थोड़ा बर्फ का व्यू भी बन रहा है, शायद बर्फ लग जाए। अब देखते हैं, अभी पहुंचते हैं वहां पे, फिर आपको बताते हैं मंदिर का अंदर का। अगर हमें दर्शन, अगर माता जी चाहेंगी तो दर्शन भी हो जाएंगे। अभी देखते हैं, हमारे साथ बने रहे अभी। ओके दीपू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमको, हमारे दर्शकों को इस लोकेशन के बारे में इतना बताया। फिलहाल यहाँ से मंदिर कुछ दूरी पे और है, तो हम आगे चलते हैं फिर और आगे का व्यू आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम मंदिर में, और आप देख सकते हैं भागते भागते आ रहे हैं, इस वजह से सांस फूल रही है। ये हमारे दीपक सर, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है, और मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना भी होगा, जिस हिसाब से मंदिर की शैली है काफ़ी पुराना मंदिर होगा। हाँ, हमारे पास टाइम बहुत कम था, इस वजह से हमें भाग भाग के आना पड़ा। और लुक एट दिस प्लेस, दिस इज रियली ऑसम। तो भाई ये जगह जन्नत से कम नहीं है, और ये मंदिर उतना ही खूबसूरत, और काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत। तो टीम तैयार है मंदिर में दर्शन के लिए। और मंदिर का एक रिवाज है कि यहाँ टोपी पहन के अंदर जाते हैं, सर ढक के, टोपी पहनना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए मैंने जो टोपी है अपने जो टूरिस्ट हैं उनको पहना दी है। तो एक बार सेल्फी भी बनती है, तो भाई किन्नौर वैली के अलग ही नज़ारे हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा भाई कि जिंदगी में जो जन्नत है वो यही है। हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस मंदिर के अंदर तो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए। फिलहाल आप बाहर से मंदिर को देख लीजिए, और इन पहाड़ियों को भी, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। फिलहाल शाम का टाइम है तो कुछ भी दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही। ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी साफ और अच्छा दिखाई दे रहा, और मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है, और उतनी खूबसूरत है ये वादियाँ। और ये देखो, ये है सेब के पेड़, ये सेब का बगीचा ही है, ये वाला भी सेब का पेड़ है, और शायद मेरे हिसाब से हिमाचल में जो किन्नौर के सेब हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। ये सारे, ये पूरा बगीचा सेब का है, और किन्नौर के जो सेब हैं सबसे ज़्यादा फेमस और अच्छे माने जाते हैं। और ये ऊपर गांव,
तो फिलहाल तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं ख़त्म। कल फिर हम नई लोकेशन पर आपको ले जाएंगे।